समस्या और उसी समस्या का समाधान किस तरह से हो, क्योंकि आप भी जल संसाधन मंत्री हो राजस्थान सरकार। ये मुझे कहते हुए अफसोस है कि जल शक्ति मंत्री राजस्थान से और भारत सरकार में 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी के, हम सबको पूरी उम्मीद थी कि जिस तरह से देश में 16 परियोजनाएं पहले से स्वीकृति दी गई है, उम्मीद थी कि 17वीं परियोजना हमारी ईआरसीपी होगी, लेकिन इनके मन में धोखा है, इनके मन में खोट है, इन्होंने हमको ईआरसीपी की राष्ट्रीय परियोजना मंजूर नहीं की। ऐसी स्थिति में हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट के अंदर 14,000 करोड़ की स्वीकृति दी है और इस परियोजनाओं को लागू करने के लिए अपनी प्लानिंग बनाई है। हमारे इसके टेंडर भी लग गए हैं, लेकिन आचार संहिता के लगने की वजह से अभी ये काम रुका है। हम सत्ता में आ रहे हैं, सत्ता में आने के बाद में जो हमारे टेंडर हैं, इस टेंडर को हम आगे बढ़ाएंगे और ईआरसीपी को हम निश्चित रूप से चालू करके रहेंगे। चुनाव में ये यात्रा निकाली जा रही है, चुनावी मुद्दा भी ये बन रहा है और राजस्थान के अंदर अब किस तरह से इसे भुलाने की कोशिश, और किस तरह से भाजपा जो लगातार कह रही कि कांग्रेस सरकार ने काम नहीं किया, हमने काम किया है, और उसे डिफेंस करने के लिए किस तरह से कांग्रेस पार्टी तैयार है अपने आप को? राजस्थान की 7 करोड़ जनता आराम से समझ रही है और भारत सरकार के जो करतूत है उसको भी देख रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी कहे हमारे मन में पाप होता है तो हम 14,000 करोड़ बजट के अंदर क्यों देते, हम टेंडर क्यों लगाते, पाप तो उनके मन में है, वो उनको अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। हमने जो आज यहाँ से शुभारंभ कर रहे हैं हम इस रैली को हम 13 जिलों में करेंगे और ईआरसीपी को एक भारी मुद्दा बनाएंगे। हम मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस पार्टी आज यात्रा शुभारंभ कर रही है। प्रभारी काजी निजामुद्दीन वीरेंद्र सिंह और अमिता धवन भी पहुंच चुके हैं, बात करेंगे हम उनसे भी, क्योंकि राजस्थान के अंदर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और चुनावी आचार संहिता के बाद पहली बार आज सभा हो रही है। हमारे साथ अमिता धवन है, हम उनसे बातचीत करेंगे और साथ काजी वीरेंद्र सिंह जी है। वीरेंद्र सिंह जी, यात्रा आज से शुरू हो रही है, आचार संहिता के बाद पहली बड़ी सभा है, चुनावी शंखनाद भी इसे कहा जा सकता है। देखिए, ईआरसीपी योजना जो राजस्थान के इस भूभाग के लिए सिंचाई और पीने के पानी की व्यवस्था को लेकर के जो केंद्र सरकार ने आश्वासन दिए थे और अपनी बात से केंद्र सरकार ने पीछे हटने का काम किया, उस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस ने शंखनाद किया है और प्रण लिया है कि राजस्थान की जनता को सिंचाई और पानी पीने की व्यवस्था को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ ये बड़ा उद्घोष आज की रैली के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने करने का कार्य किया है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जनता इस मांग को लेकर के लाखों की संख्या में आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, केसी वेणुगोपाल जी को, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को, सचिन पायलट जी को और तमाम नेताओं को सुनने के लिए उमड़ी है। जनता की इच्छाओं के अनुरूप आज की इस रैली के अंदर जो उद्घोष कांग्रेस पार्टी मंच के माध्यम से करेगी, निश्चित रूप से वो मील का पत्थर साबित होगी और हम एक्सपोज करेंगे भारतीय जनता पार्टी को जो केवल बरगलाने का और झूठे वादे देने का काम करती है। क्या लगता है चुनाव के अंदर इस मुद्दे को लेकर विशेष तौर से इन 13 जिलों में जो 83 सीटें हैं उन पर विशेष तौर से असर रहेगा इस यात्रा का? देखिए, अच्छी फसल और पीने का पानी ये इस धरती की मांग है और इस मांग को लेकर के कांग्रेस संकल्पबद्ध है। ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, ये जमीन से जुड़े हुए जनता की जरूरत है और उस जरूरत को लेकर के कांग्रेस पार्टी आज राजस्थान की जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर के खड़ी है। ईआरसीपी का प्रमुख मुद्दा है, उसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ अमृता धवन मैडम। राजस्थान के प्रमुख मांग है 13 जिलों की ईआरसीपी, कांग्रेस सरकार लगातार केंद्र पर दबाव बना रही है और अब यात्रा आज से शुरू कर रहे हैं, कितना असर देखने को मिलेगा इस यात्रा का? देखिए, ईआरसीपी के मुद्दे पर बीजेपी ने और प्रधानमंत्री मोदी जी ने वादा खिलाफी करी है। एक तरफ तो खुद डीपीआर बनाई जब वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी, फिर उस पर खुद ही काम नहीं किया, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, और जब केंद्र में सरकार बीजेपी की है 10 साल से,
ये राष्ट्रीय परियोजना घोषित क्यों नहीं की गई? एजेंडा क्या है बीजेपी का, क्यों? उनसे सवाल करो तो जवाब नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री चुनावी राजनीति करने के लिए तो राजस्थान बार बार आते हैं, बार बार भाषण देते हैं, एक भी मीटिंग में मंच से उन्होंने पानी को लेकर बात नहीं करी। पानी को लेकर पूरे प्रदेश में त्राहिमाम त्राहिमाम है, लोगों को सिंचाई के लिए पानी चाहिए, लोगों को पीने के लिए पानी चाहिए, लेकिन अब क्या गजेंद्र सिंह शेखावत खुद इस प्रदेश से आते हैं, जल संसाधन मंत्री हैं, उनका एक इंटरव्यू देख रही थी, बोल रहे थे कि हम कुछ नया बनाएंगे अब। अरे जो है उसको लागू करो ना, नया बनाने का मतलब यह है कि झुंझुना पकड़ा रहे हैं आपको कि ये काम कभी नहीं होगा, लेकिन राज्य सरकार कांग्रेस की रही 5 साल में और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने उस समय 14,500 करोड़ रुपए आवंटित किया। ये राज्य सरकार का काम नहीं था, ये राष्ट्रीय परियोजना घोषित होनी चाहिए, लेकिन फिर भी किया क्योंकि हमारे लोगों की तकलीफ हम तो समझे, अगर बीजेपी नहीं समझ रही है तो हमने अपना दायित्व निभाया है। और ये जरूर है क्योंकि अभी 52-53 बांधों को भी जोड़ा है सप्लीमेंट्री के लिए कि अगर नहीं करेगी केंद्र सरकार तो हम करेंगे। तो इतना बड़ा वादा हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं, जनता को ये पता है कि कांग्रेस ने कहा है तो करेगी और हम कर रहे हैं। चुनावी शंखनाद हो रहा है कांग्रेस पार्टी का, क्या लगता है हाड़ौती राजस्थान के कांग्रेस के लिए रहेगी लाभदायक? देखिए मैं मानती हूँ कि हाड़ौती रीजन इस बार कांग्रेस की आन बान शान बनेगा और इस बार बहुत भारी संख्या से यहाँ पे बदलाव होगा, हमारी सीटें यहाँ पर आएंगी, लोगों ने मन बना लिया है, लोग बीजेपी के कलह से, बीजेपी के अंतर विरोध से परेशान है, लोग बीजेपी के इनडिसीजन से जो कि वो लेते ही नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान में आते हैं कोई बात नहीं करते हैं, बीजेपी जो है आपस में बटी हुई है, वो जनता की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग जनता की बात कर रहे हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि ईस्टर्न राजस्थान के साथ साथ ये पूरा जो इलाका है, इन 13 जिलों में लोग वापस कांग्रेस को जिताएंगे। और इस बार जो राज्य सरकार नहीं कर पाई, इतना कुछ करने के बावजूद भी जो रह गया है वो भी करेंगे। टिकटों की कवायद चल रही है, इंतजार हो रहा है टिकट कब हो, यहाँ आने वाली जनता भी ये चाहती है कि जल्द से जल्द कांग्रेस का चेहरा दे हो ताकि उनके साथ लगे। सॉरी मैं टिकटों की कवायद चल रही है। अच्छा ओके, देखिए ये तो उत्साह है और जल्द होने वाला है, हमारी स्क्रीनिंग कमेटी हो चुकी है, एक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कल होने जाएगी, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग 18 तारीख की है, तो निश्चित रूप से जल्द आपको अनाउंसमेंट मिलेगी, लोगों का इंतजार उस पर पूर्ण विराम लगेगा। टिकटों का जो इंतजार है वो भी पूरा होगा। हमारे साथ काजी निजामुद्दीन भी है। काजी साहब, आज से चुनावी शंखनाद हो रहा है, आचार संहिता के बाद पहली कांग्रेस की रैली है, क्या लगता है हाड़ौती से राजस्थान कांग्रेस को फतेह मिलेगी? जनता कांग्रेस के साथ है, जनता उत्साहित है, कांग्रेस की नेशनल लीडरशिप उसने हमारे नेता है राहुल गांधी जी।